सो फाइनली गाइस, आज मेरे पास दो ऐसे डिवाइसेज आए हैं जिनके अंदर यहाँ पे इनकमिंग कॉल आती है या फिर हम किसी को कॉल करते हैं तो उसके बाद से हमारी डिस्प्ले ऑफ हो जाती है, स्क्रीन ऑफ हो जाती है। तो उसका सलूशन हम आज दो मिनट के अंदर अंदर करके दिखाने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, दोनों ही डिवाइसेज के अंदर आपको करके दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे प्रूफ भी आपको दिखाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, दोनों के अंदर आपको विद प्रूफ आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे वीडियो एंड होते होते आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ही सॉल्व हो जाने वाली है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, आप यहाँ पे हमारी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो जैसे कि मैं यहाँ पे दोनों के अंदर डायल कर रखा हूँ 198 एंड यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, मेरे दोनों ही डिवाइसेज के अंदर ये वाली प्रॉब्लम अभी जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नहीं है, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। तो अभी कैसे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। एंड एक बार सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको वीडियो के अंदर कुछ हेल्पफुल लगे तो। एंड यहाँ पे आपको बता दूँ, सबसे पहले आपको जाना होगा अपने कॉल वाले सेटिंग में, कॉल वाले डायलर के अंदर। यहाँ पे भाई आपको जो भी सेटिंग्स होगी, जैसे कि आपको साइड में टू डॉट्स देखने मिलते हैं, जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे, मैं दो डिवाइसेज इसीलिए दिखा रहा हूँ, अगर कोई भी डिवाइस है, चाहे Xiaomi का है, चाहे Samsung का है, OnePlus का है, Realme, Oppo, Vivo, कोई भी डिवाइस है, हर एक डिवाइस के अंदर ये वाली जो ट्रिक वर्क करेगी। सबसे पहले यहाँ पे आपको डायलर के अंदर चले जाना है। डायलर के अंदर भाई आपको ये वाली जो जितनी भी सेटिंग्स हैं वो डिफॉल्ट के ऊपर है एंड इसको डिफॉल्ट के ऊपर ही सेट रहने देना है। काफ़ी सारे बंदे क्या करते हैं, इसके अंदर छेड़छाड़ करने लग जाते हैं और कोई और सेटिंग को चेंज कर लेते हैं, बट इसको आपने नहीं छेड़छाड़ करना। उसके बाद आपको अपनी जो मेन मोबाइल फ़ोन की सेटिंग होती है उसके अंदर चले जाना है। मैं यहाँ पे बेसिकली गाइस यहाँ पे रियल मी है 3.0 एंड रियल मी है 2.0 दो डिवाइसेस यूज़ कर रहा हूँ, ये जिसके अंदर मैं यहाँ पे सर्च करूँगा इनकमिंग कॉल। तो यहाँ पे भाई आपको सर्च करना होगा इनकमिंग कॉल। जैसे ही आप इनकमिंग कॉल वगैरह सर्च करोगे एंड यहाँ पे गाइस आपको मैं बता देता हूँ इसके अंदर आपको करना क्या होगा। यहाँ पे दोनों डिवाइसेस के अंदर आपको सेम मींस के कोई भी डिवाइस आप यूज़ करते हो दोनों के अंदर सेम आपको जो एक बार सर्च करनी है सेटिंग, जो भी सेटिंग है मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कर लेना। यहाँ पे पहली जो सेटिंग आएगी उसके ऊपर टैप कर देना है दोनों ही डिवाइसेज के अंदर। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो ऑप्शन देखने को मिलती है, देखने को आपको सिंपल लगेगी बट भाई आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसी के अंदर छुपा हुआ है। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, 100 लाइक्स का एम जल्दी से कंप्लीट कर दो, वीडियो को वायरल कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहले यहां पे आपको जो है यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने मिलती है जो कि यहाँ पे आपको देखने मिलती है ऑटो स्विच टू स्पीकर रिंग फॉर रिपीटेड कॉल्स। यहाँ पे ये आपको दो ऑप्शन देखने मिलती है जो कि एंड यहाँ पे कैसे आपकी ये जो ऑटो स्विच टू स्पीकर वाली ऑप्शन है वो एनेबल रहेगी आपके डिवाइस के अंदर, इसको आपने जो है ऑफ कर देना है, डिसेबल कर देना है सिंपली। जैसे ही डिसेबल करके बैक आ जाओगे एंड दूसरे डिवाइस के अंदर भी आपको बता देता हूँ, दूसरे डिवाइस के अंदर जो आपका जो स्क्रीन ऑफ गेस्चर है ये आपका एनेबल रहेगा, सिंपली आपको इसको डिसेबल कर देना है, ऐसे एनेबल रहेगा, इसको ऑफ कर देना है। एंड दोनों को ऑफ करने के बाद भाई अगर आप अभी ट्राई करोगे कॉल करने का किसी भी नंबर के ऊपर, हर एक प्रॉब्लम आ रही है मुझे पता है, तो आप एक बार ऐसे करके ट्राई करना और गाइस कोई भी स्क्रीन ऑफ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। कमेंट करके बताना कौन कौन से डिवाइसेस के अंदर ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है एंड अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती भाई 110% गारंटी है कि सॉल्व होगा ही। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।